एसोसिएशन सोसाइटी एवं SSR इवेंट प्लानर की तरफ से यूथ और महिलाओं को फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड उनके टैलेंट, योग्यता और प्रतिभा को दिखाने के लिए 20 सितंबर रविवार को एक ऑडिशन करवाया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और DM स्तर के निर्देशानुसार 50 लोगों की अनुमति के अंतर्गत प्रतिभागियों को ही बुलाया गया था। साथ ही इस ऑडिशन में सिंगिंग, डांसिंग, देशभक्ति गानों के द्वारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा भी महिलाओं के योग्यता को परखा गया। उनके मन में आत्मविश्वास जागृत किया गया, क्योंकि सभी कोरोना जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं। लोगों में, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो चुकी है। उनको लगता है कि उनकी जिंदगी कोरोना के कारण एक कमरे में सिमट सी गई है। इसके लिए उन्हें प्रेरणा देने और जीवन को सामान्य रूप से जीने के लिए जागरूक कर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के द्वारा महिलाओं को लाभ मिल सके, ऐसी योजना के बारे में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष सोनी जायसवाल समाज सेविका द्वारा बताया और समझाया गया। बहुत अच्छा था, किसी का मेकअप बहुत अच्छा था, किसी का ड्रेस बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और करंटली आई एम वर्किंग एज एन एक्टर इन मुंबई। मैं सीरियल्स में काम करती हूँ। आपने मेरे कई सीरियल्स देखे होंगे, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, तारकम सतारा। इसके साथ ही फैशन शो में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को योजनाओं के प्रति जागरूक कर प्रधानमंत्री सप्ताह पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर केक काटकर माननीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी मनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर जज की भूमिका में अनन्या समर्थ, TV एक्ट्रेस स्नेहा मौर्या, डायरेक्टर CNV संध्या सिंह, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ब्यूटी प्रोडक्ट बिंकल शुक्ला, विनर जलवा फैशन शो मिस उन्नति जायसवाल, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शो मिसेज रेखा गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शो रही। मेरा नाम अनन्या समर्थ है, मैं मुंबई से आई हूँ। करंटली मैं एक एक्टर की तरह काम कर रही हूँ मुंबई में, मैं सीरियल्स में काम कर रही हूँ। अनन्या जी, आज क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से आप पार्टिसिपेट किए यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं तो यहाँ जज बन के आई थी, जूरी मेंबर में थी मैं। और यहाँ आज लवली फेस ऑफ बनारस का आज यहाँ प्रोग्राम था, जिसको कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया गया, कोरोना के सारे प्रिकॉशंस लिए गए यहाँ पे, जो कि यहाँ की सबसे अच्छी बात थी। और यहाँ पे लवली फेस ऑफ बनारस का आज ऑडिशन चल रहा है, एक ऑडिशन, सेकंड राउंड जो है इसका वो 27 को चलेगा और नवंबर या दिसंबर में इसका फाइनल प्रोग्राम। जी, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स आए थे और कैसा लगा? यहाँ पे बहुत डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आए थे, बहुत अलग अलग जगहों से आए थे, गोरखपुर से आए थे, बनारस से आए थे, जौनपुर से आए थे, तो सबसे मिलके अच्छा लगा। सब में कुछ अलग बात थी, सब में सबके अंदर कुछ अलग टैलेंट था, सब कुछ देख के यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतने अच्छे से एंटरटेन किया। अनन्या जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्या वो मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान उनका है, ऐसा लगता है आपको? और उनके परिवार जो हैं, उनके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या सपोर्ट है उनको? देखिए, मुझे सबका नहीं पता, पर मैं बचपन से इस लाइन में हूँ। मैं पहले बेबी ऑफ जौनपुर बनी, फिर मैं मिस जौनपुर बनी, फिर मैं मिस इंडिया नॉर्थ बनी, आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एक्टर हूँ मुंबई में। सो मेरे पेरेंट्स, मेरे लिए तो, मैं भी एक लड़की हूँ, हम लोग 3 बहनें हैं, पर मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब लोगों की सोच बदल रही है, लोग इस चीज़ में आगे बढ़ के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुझे नहीं पता आज मैं कहाँ होती। तो उनका सपोर्ट ही है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं जो नहीं भी सपोर्ट करता है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, ताकि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें और हर क्षेत्र में अपना नाम कमाएँ और आपका भी नाम कमाएँ। तो सुशांत जो है वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही फिट थे। जब मैंने उनके सुसाइड का सुना, सुसाइड के बारे में, तो मैं भी बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि मैं उनसे मिल चुकी हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा फिट हैं और बहुत अच्छे एक्टर थे। और उनकी लास्ट फिल्म छिछोरे जो थी वो सुपर हिट भी रही है। तो कहीं से डिप्रेशन का ऐसा कुछ तो एंगल मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। और जिस तरीके से बातें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं दिशा के बारे में या सुशांत के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर
मर्डर है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि सुशांत ऐसा था भी नहीं कि वो सुसाइड करे। बाकी सीबीआई अपनी जांच कर रही है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं है। जो सही प्रक्रिया है वो सीबीआई ऑलरेडी कर रही है, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और रिजल्ट सबके सामने आएगा। सुशांत की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो एक बहुत अच्छे एक्टर थे और उससे भी कई गुना ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान थे।